देखना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है। अरे अरे अच्छा ये ओ भाई आ रहा है मजा। भाई ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये गांव गांव का परेशान हो गए हैं। फुल रेडी हो गए हैं अभी हम, पूरा बैग में सेट है, इधर राइडिंग जैकेट इधर रखी है, पानी की बोतल रखनी है, टॉप टैंक बॉक्स इधर रखा हुआ है, सब सेट है वैसे। बट क्या हुआ है कि सुबह से उठे पड़े हैं और बारिश चालू हो गई है, दिख भी नहीं रही बारिश, इधर दिख रही है थोड़ी बहुत, बारिश हो रही है और लग भी नहीं रहा कि ये होगी ठीक, पता नहीं कब कब रुकेगी। रेन कोट पहन के निकल तो जाएंगे, बट एक प्रॉब्लम है कि अभी आशु भाई के पास एक रेन कोट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको, और वो गीले अभी यहीं से हो जाएंगे अभी का तो पता नहीं, और पूरे टाइम मतलब 10 घंटे करीब हमें राइड करना है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सारे मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ, अच्छे से सो लिए थे रात को और कल तो ऑफ रोडिंग हुई थी। अगर आप कह रहे किस ब्लॉग पर आ रहे हो तो कल वाला ब्लॉग देखना, बहुत क्रेजी काम हुआ है कल। उसके बाद अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, अगर जब वेट कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके बारिश हो के, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे घर के लिए, बाकी कोई प्लान नहीं है, ब्रेकफास्ट होपफुली रुक जाए बारिश। चलो भाई फाइनली बारिश रुक गई है, सामान मैंने वहाँ रखा हुआ है और क्लाउड देखो कितने मस्त हो रहे हैं, बारिश रुकते ही मतलब कि नीचे थोड़ी बहुत बारिश होगी तो चलेगा। तो अभी गाड़ी निकालते हैं और ऑफ करते हैं, थक गया मैं, ऊपर सामान लाते लाते यार, ठीक है। ध्यान से आना भाई, तुम्हारे तुम्हारे ज्यादा रिक्स है। लेट्स गो बैक टू होम, बाय बाय गाइस। अरे 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 चलो भाई निकल चुके हैं अपन वापस, और उससे आपने देख सकते हो कितना बढ़िया माहौल हो रहा है, ये देखो कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे अपने टायर में, स्लो स्लो ही चलना पड़ेगा। तो बढ़िया एकदम बाहर सामने देखो आप क्या मौसम हो रहा है भाई, क्या मस्त। और हम निकल चुके हैं बैक टू दिल्ली, बारिश हल्की फुल्की हो रही है अभी भी, और ये हम क्लाउड हो गए बीच में से निकल रहे हैं, और अभी मैप तो लगाया नहीं है क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, अभी देखते हैं कहीं ज़रूरत पड़ेगी मैप की तो लगाएंगे, नहीं तो वैसे तो बेसिकली पता है, बट चंडीगढ़ में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग सेफली घर पहुँच जाए, लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम जय श्री राम, हम दोनों के दोनों आराम से पहुँच जाए, प्रभु कृपा बनाए रखना। यह आशु भाई अपना सही सेट होके चल रहे हैं, पूरा बांध दिया उनका हमने, सेट हो गया था सारा, गाड़ी वाड़ी साफ कर ली थी, कॉल स्टार्ट भी हो गई थी, थोड़ी सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे आगे वाले टायर में, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाइब्रेट कर रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है आगे वाले टायर में, तो देखना पड़ेगा अभी अपन को, आगे चल के कहीं पे रोक के देखेंगे, मैं यहाँ से निकले जल्दी से जल्दी। भाई एक मेजर मिस्टेक दिख गई मुझे, मुझे लग रहा था कि टायर क्यों हिल रहा है, यहाँ पर एक पेच गायब है मेरी गाड़ी का, शिट मुझे अभी दिखा है इधर है और इधर नहीं है वो पेच, अब वो कहीं गिर गया और वाइब्रेट कर रही है मेरी गाड़ी पूरी की पूरी, पता चल गया। स्लो स्लो चलाएँगे अभी, और अभी आपको दिखाता हूँ कहीं रुक के कि ये पेच कहाँ गायब है कहीं, और हम सभी 10:30 बजे निकले हैं, सिर्फ हम 9 बजे का तैयार है, 1.5 घंटे लेट है, मतलब कि 1.5 घंटे ओवर लेट घर पहुंचेंगे हम। ये देखो ये रहा, इधर देखो ना आगे से दिख रहा है खाली, ओ अच्छा ये हाँ ये ओ भाई ये तो बहुत, और ये देखो यहाँ लगा हुआ है, हाँ यहाँ लगा है, पूरी गाड़ी वाइब्रेट मार रही है इसके वजह से, आगे लगा हुआ है इसके देखना, इसके आगे ही लगा हुआ, इसके आगे भी लगा होगा ना एक, हाँ इसके आगे भी लगा है, तभी टिका हुआ है वो, तभी टिका हुआ है, ये दो नीचे गिर जाता एक साइड से। तो भाई यहाँ नट हिल चुका है, अभी देखते हैं कहीं वाटर प्रूफ बना दिया, मतलब पन्नी वन्नी लगा दिए,
रिकॉर्डिंग तो कर पा रहा हूँ बट भाई पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, जितना ब्लर दिख रहा है बहुत ब्लर दिख रहा है, बहुत बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा और अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे ऐसा लग रहा है, चले जा रहे हैं। मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा बारिश की वजह से। तो बीच में रुके हैं अभी एक मैकेनिक पे, ये नट का देखते हैं हो जाए तो। रेनकोट ले लिया था अपना और बाकी तो सब सेट ही है, धीरे धीरे करके निकलते रहेंगे, फिर रेनकोट पहनते हैं फटाफट। ये इसलिए लिया है मैंने कि फटाफट पहन लो और उतार दो, दो मिनट में ये वाला सीन है इसके अंदर। भाई आ गए हैं हम नेशनल हाईवे पे, वैसे वो भी नेशनल हाईवे था बट हम ऑलमोस्ट अब आठ ईट जो भी कहते हैं इसको, वो वाली टनल से निकल पहले आ गए हैं। अब टनरी टनल आएगी रास्ते में लगातार 100 बार, तो रेनकोट ने बहुत कुछ बचा लिया, मगर पैंट पे नहीं पहन रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। और पेट्रोल अभी भरवाएंगे, ये सारी टनल पार हो जाए एक बार ये वाली, उसके बाद ही पेट्रोल भरवाएंगे ठीक है। और ये देख सकते हो आप खूबसूरत से नहा जा रहे, वैसे जीवी के ज़्यादा सुंदर थे वो हम दिखा नहीं पाए ढंग से, बट अब जो भी है यही है। अभी दिल्ली दिखा रहा है 465 और मंडी है 35 किलोमीटर, तो खींचते हैं गाड़ी को, अभी हमें कम से कम 10 घंटे तो लगी जाएंगे यहीं से घर पहुँचने में, खाना पीना मिला के सब कुछ। भूख भी लगने लगी यार, सुबह बस ब्रेड खाई थी वो। ओन है इधर देखो लैंडस्लाइड हो गई थी ऐसा, लैंडस्लाइड हो रखी है पीछे और हमें यहाँ से जाने के लिए रास्ता दे दिया है। याद किया ये थी वही, हर साइड पे आपको लैंडस्लाइड जरूर दिखेगी। और हम एक और टनल में घुसते हुए, तो लगातार टनल आती ही रहेगी मंडी तक, शायद मंडी की गलत टनल अभी बन रही है ना। चलो अब ये वाली जो टनल जा रही है ये बन रही है अभी, इसके चक्कर में हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है नीचे से। बन रही है। अब आशु भाई का वेट करते हैं थोड़ी देर, आते हैं तो भाई। कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे लग ही रही है गाड़ी के अंदर, घड़ घड़ आवाज़ आ रही है बहुत, देखना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। ट्रिप को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा यार मैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। GoPro उतार के रख ही देते हैं, फाइनली टाइम आ गया GoPro का रखने का, बारिश रुक नहीं रही है और GoPro खराब हो जाएगा तो महंगा खर्चा बैठ जाएगा फिर मेरा। तो भाई साहब BMW निकले जा रही है मेरे आगे से, GS सारी। चलो GoPro को बाय बाय करते हैं, अब इसे डालते हैं अंदर क्योंकि बारिश आ ही जा रही है, रुक नहीं रही, फुल एकदम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सबसे आगे आ गए हम ट्रैफिक से। बढ़िया, अभी पता नहीं आगे कुछ सीन हो गया है तो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है पीछे तक। भाई पेट्रोल आया 954 रुपये का और अभी हम मंडी के अंदर हैं, पहुँच गए मंडी और धूप बहुत देर बाद दिखी है, सुबह से निकले जब से धूप नहीं दिखी। अब धीरे धीरे चलते हैं, ये पहन के ही रखते हैं इसको, उतार के देंगे। 954 रुपीज़ का पेट्रोल आया, मतलब पेट्रोल था गाड़ी में 5 लीटर और अभी चल जाती गाड़ी बढ़िया। तो अब चलो निकलते हैं वापस, ये है मंडी और अभी धूप निकल चुकी है तो थोड़ा हमने GoPro वापस लगा ही लिया है ठीक है। चलो तो अब धीरे धीरे चलते हैं और सही है, अब धूप आ गई है तो थोड़ा ये सूख भी जाएगा हमारा जो गीला हो चुका था। पीछे एक जगह रुके थे और रोड का कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा, बाकी तो ठीक ही है, रेनकोट ने भी सही काम करा है अभी तक। ये आ गया हम वापस हाईवे पे, ये अब आ गए हम सुंदर नगर और सही है, सही स्पीड में खींच दी अभी गाड़ी, आधे घंटे और चलाते हैं फिर कहीं खाने के लिए रुकेंगे। मेरे को लगता है आधे घंटे में तो पहाड़ी ख़त्म कर देंगे हम,
बढ़िया चल रही है गाड़ी, धूल बहुत उड़ रही है और बारिश ना बूंद बूंद गिरी रही है, रुक नहीं रही बारिश। एक चंडीगढ़ रह गया 140 किलोमीटर और दिल्ली रह गया 383 किलोमीटर। आ रहा है भाई मजा, बहुत मजा आ रहा है भाई। फुल बारिश हो चुकी है यहाँ पर और सामने बहुत तेज बारिश आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर से पूरा सेटअप होके अपना निकलते हैं। वो देखो सामने, ये बिल्कुल भी ना भीगे, तो निकलते हैं अभी, इसको भी पैक करते हैं पूरा। और अभी हम जस्ट पहुंचे हैं शेरी पंजाब ढाबे में। ये अपना रेनकोट उतार रहे हैं क्योंकि सूर्योदय बहुत तगड़े दिख रहे हैं अभी हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सही चला के आ गए हैं अभी, बस 320 किलोमीटर और रह गया है अपना घर, और अब बस खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। पूरे जूते गीले हो रखे हैं, पैंट तो सूख गई मेरी धूप में, बस अब बस खाना खाते हैं और निकलते हैं, ठीक है। 1 hour later तो भाई फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है भरपेट, और 5-10 मिनट रेस्ट भी कर लिया। निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, सामान वामान निकाला था कुछ बैग में से पीछे से, मैप लगाना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि यहाँ से रास्ते थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे हमारे। तो 6 घंटे 12 मिनट अभी यहाँ से घर दिखा रहा है, अभी अब खेसते हैं यहाँ से, मतलब कि 305 किलोमीटर है। वैसे तो गर्मी लग रही है भाई, गर्मी। एक बार मैं जब धर्मशाला आया तो मैं यहाँ रुका था पानी पीने के लिए सिर्फ, बीच में चंडीगढ़ में थोड़ी सी दिक्कत है, अम्बाला में भी दिक्कत है, बहुत परेशान हो जाते हैं, रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी अम्बाला से रास्ता डाइवर्ट हुआ था, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे वो चक्कर में, इस बार भी ये नहीं चाहिए। चंडीगढ़ अभी 10 किलोमीटर रह गया, मगर ये गूगल मैप पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है हम लोगों को, मुझे भी रास्ता नहीं पता, इधर से तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम। नींद आ रही है यार, अब तो बोर हो गया चला चलाते। सनसेट भी होने वाला है और टाइम हो गया आपका 6:14 और अभी भी 5 घंटे 10 मिनट लगेंगे अपन को पहुंचने में। हाँ, शायद मैं इस रूट से आ चुका हूँ पहले भी, मुझे ऐसा लगता है। इतनी दिक्कत होती है लोगों को, नॉर्मल लोग हम जैसे ट्रैवल बाईपास होना चाहिए, कोई बाहर पास निकाल दे, वहाँ निकलने के लिए इतना टाइम लग जाएगा चंडीगढ़ से। तो भाई हम वापस उसी रूट पे आ गए जिससे हम गए थे, यहीं तो खड़े थे हम, यहाँ पर पूरे गांव में से निकलते हुए रास्ता जाएगा अभी। गड्ढे में गई भाई ये, देखिए वो नहीं दिखी हो बट गड्ढे में गई वो। अरे अंधेरा हो चुका है, सुंदर सी इन खेतों के बीच में से हम निकल रहे हैं, मगर ट्रक हमारे आगे चल रहा है तो देखते हैं निकलने का देगा नहीं देगा। भाई ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये गांव-गांव का परेशान हो गए हैं, मैप में तो बस एंड दिखा रहा है इस रास्ते का, फटाफट ख़त्म हो यार, कंधे में दर्द हो गया चला। तो भाई अब यहाँ फाटक में फंस गए हैं, फाटक पार करेंगे और अभी भी 4 घंटे रह गए हैं अभी घर जाने के लिए। और कितने किलोमीटर, 219 किलोमीटर, मतलब 19 किलोमीटर अम्बाला से पीछे हैं हम। खोला दरवाज़ा, लो मोटे भैया का दिक्कत हो गया, बड़ा लोचा है यार ये, जब भी ट्रिप पे आओ ऐसे कुछ ना कुछ गलियों में घुस के जाओ, बड़ा डिफिकल्ट है यूटर्न लेना तो यार, कोई है ही नहीं देखने के लिए, गली में नहीं जाना। चलो भाई फाइनली कोई से तो रोड पे आए, पता नहीं कौन से रोड पे आए हैं, ये अपने वाला अम्बाला वाला ही है क्या, हाँ शायद उस पे ही आए हैं अपन, आएंगे। ओहो क्या बात है, लाइटें जला दी हमारे आते ही, क्या बात है, स्वागत कर रहे हैं यार तुम्हारा। तो भाई लोगों आपका स्वागत है अम्बाला में, तो फाइनली हम अम्बाला पहुंच गए हैं, अब 205 किलोमीटर और घर रह गया अपना, 205 किलोमीटर, ये 7:30 हो चुके हैं और टाइम दिखा रहे 11:25 तक पहुँचेंगे अगर लगातार चलते हैं तो, ठीक है। ये है अम्बाला का फेमस धनुष,
जो आप हर किसी की वीडियोस में देखोगे, नहीं देखोगे तो मेरी वीडियो में देख लो, ये फेमस धनुष है। तो अम्बाला में आपका स्वागत करते हैं। एक और ट्रैफिक मिल गया यहाँ थोड़ा सा हमें, पता नहीं क्या क्यों है ट्रैफिक, पता भी नहीं है। ये तो हमें गीत उद्योग क्रू क्षेत्र में, आपका सर क्रू क्षेत्र में आ गए भाई हम, और ट्रैफिक का बहुत गंदा हो रहा है क्रू क्षेत्र में, कोई तो सीन हुआ है यहाँ पर। दिल्ली 143 किलोमीटर रह गया है और अपना करनाल 12, पानीपत 31 और सोनीपत 100 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। और आशु भाई अभी पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, बहुत पीछे रह गए मेरे ख्याल से, तो मैं अब स्लो करके गाड़ी चला रहा हूँ। आपको दिख भी गया होगा, क्या ही दिखेगा अंधेरे में। आ गए। बहुत देर से स्लो चला रहा हूँ। हाँ मैं 80-100 पे चल रहा हूँ ना, है रोक खड़े हो जाओ थोड़ी देर, स्ट्रेच कर लो। करनाल आ गया, अभी कुछ रुकने का हिसाब नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच कर ले, पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लेते हैं ना। 5 मिनट का रेस्ट कर लिया अपन में और अब फिर हम वापस निकल चुके हैं। अब सीधा मूर्छल रुकेंगे, 90 किलोमीटर है यहाँ से, तो बस वहीं रुकेंगे। एक्सीडेंट एक और उस पर चढ़ गया, राइडर पे चढ़ रखा है। तो भाई हमारा आ गया लास्ट टूर, ये हमारा आखिरी मूर्छल वाला टूर, उसके बाद अपना घर रह जाएगा 50 किलोमीटर। मैं तो एकदम भंडी नींद में हूँ। हमने मंगा लिया है अभी आलू प्याज के पराठे और चाय, थोड़ा नींद आ रही है इस वजह से, खा पी के फिर निकलेंगे। अभी टाइम अपना हो रहा है 10:20 और बस अब इसके बाद बस खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ पर। 50 किलोमीटर हो रहेंगे अपना घर, तो पहुँच ही जाएंगे ऑलमोस्ट। तो भाई खाना तो खा लिया, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से अपन। और ऑलमोस्ट बाईपास, करनाल बाईपास तक आ गए। बहुत बारिश हुई है, पानी पानी भरा हुआ है यहाँ तो। अपने रोडों पे चढ़ते हुए 10-15 मिनट और लगे घर पहुँचने में, और हालत बिल्कुल ढीली है हमारी। मज़ा आ गया भाई राइड करके इस ट्रिप में। चलो भाई आ गया इनका घर, आशु भाई का स्टॉप, मतलब क्या आशु भाई यहाँ से निकल जाएंगे अब। फाइनली घर, यहीं से जाओगे ना? चलो मिलते हैं, ठीक है भाई, बाय। आगे जाओगे? ठीक है भाई। फाइनली हम भी घर पहुँच चुके हैं अब, बस बाइक लगा रहे हैं। बढ़िया, बस ये निकालना है अब। पैनियर्स पूरा गंदा हो गया ये तो। बस हो गया काम खत्म। चलो गाइस